राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, इस बार भी बिहार के कई जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं और लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को हर संभव मदद करने की बात करती है। इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित किसानों को और लोगों को हर संभव मदद देने की बात कर रही है, लेकिन सरकार हर साल बाढ़ पर यही करती है। बाढ़ आती है और सरकार कहती है कि हम बाढ़ पर कंट्रोल कर ले। प्रश्न ये है कि सारी बयानबाजी बाढ़ आने के बाद ही होती है और सारे कार्यक्रम बाढ़ आने के बाद ही शुरू होते हैं। आपको बता दें, हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद ही तैयारियां शुरू होती हैं। बाढ़ इस साल अब नियंत्रण कर लेंगे, हर साल यही वादे होते हैं और बरसात के जाने के बाद कुछ महीने बीतने के बाद सारे वादे हवा हवाई हो जाते हैं। देखा जाए तो सरकार बाढ़ पर बस इतना ही कंट्रोल करती है। जो बांध पिछले साल टूटे थे उनको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इस साल तक भी पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जाता है। सरकार में बैठे नेता कहते हैं बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है, या कहते हैं नेपाल से पानी आया है इसलिए बिहार में बाढ़ आ रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा हर जिले के जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करे और पता करे कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है। साथ ही किसानों को हर संभव मदद देने का मदद भी सरकार वादा कर रही है। सरकार तो ये भी कहती है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका पूरा भरपाई सरकार की तरफ से होगा। सरकार बाढ़ को तो प्राकृतिक आपदा घोषित कर देती है, मगर सरकार जो पैसा बाढ़ प्रभावित इलाकों में देती है, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, चाहे वो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हो, उसका पूरी तरीके से प्रयोग या उपयोग नहीं हो पाता है। सही उपयोग का मतलब आप ऐसे समझिए कि हर साल बाढ़ आती है, जो बांध टूटते हैं उनको रिपेयर करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, आपदा प्रबंधन के पास पैसा पहुंचता है, मगर जमीनी हकीकत ये होती है कि वो बांध अगले साल तक भी ठीक नहीं हो पाता है। नदियों का जलस्तर बढ़ता है और गांव के गांव हर साल की तरह डूब जाते हैं। मुजफ्फरपुर का भी यही हाल है, यहाँ पर पिछले साल का टूटा हुआ बांध इस साल भी रिपेयर नहीं हो पाया है और हालात आप सबके सामने हैं। मोतिहारी जिले में रहने वाले तकरीबन 6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चंपारण में भी यही हाल है, साथ ही अन्य जिलों का इससे बहुत बुरा हाल है। इन सब इलाकों का दौरा हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी टीम कई बार कर चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन की टीम और अन्य कृषि मंत्री भी साथ होते हैं। अगर देखा जाए तो सरकार तो लोगों की मदद करती है, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करती है, मगर पहले बाढ़ भी खुद ही लाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बांधों की मरम्मत यदि तय समय में कराई जाए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो कमियां हैं उनको तय समय पर दूर किया जाए, यानी कि हर साल बरसात से पहले इन कमियों को दूर कर लिया जाए, तो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होंगे। अगर ये काम सब तय समय सीमा में हो जाए और पैसों का सही प्रयोग हो जाए तो बिहार में बाढ़ से इतने बुरे हालात नहीं होंगे और स्थिति नियंत्रण में रहेगी। मगर अगर तय समय में सारे काम कर लिए जाएं, यानी कि बाढ़ आने से पहले, बरसात आने से पहले सारे काम हो जाएं, तो बाढ़ प्रबंधन के नाम पर आए लाखों करोड़ों रुपए ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं की जेब में कैसे पहुंचेंगे? ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बांध बनाने के लिए बोरों में बालू का पैसा आता है और उस बालू की जगह मिट्टी को भर दिया जाता है और फिर नतीजा सबके सामने होता है। अंत में यही सवाल कि हर साल बिहार में बाढ़ आती क्यों है और स्थिति इतनी खराब हर साल क्यों हो जाती है? उसका सीधा सा जवाब है कि सरकार के द्वारा जो पैसा बांटा जाता है, यदि उसकी बंदर बांट ना हो और सही पैसा सही लोगों तक पहुंचे और आपदा प्रबंधन सही तरीके से काम करे तो बाढ़ से बहुत अच्छे तरीके से निपटा जा सकता है और इतने बुरे हालात बिहार को हर साल नहीं देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। अगली अपडेट के लिए फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।